सब भाइयों को राम राम सत श्री अकाल। और नया गाना अपना आ रहा है, ईपी है, ईपी में 5 गाने हैं और 2 का वीडियो, 1 का वीडियो आ चुका है, 1 का वीडियो आ रहा है और बाकी जैसे आप लोग पसंद करोगे तुरंत हम वीडियो निकालेंगे। और क्या गाने के अंदर क्या देखने मिलेगा जो रिलीज हुआ? गाने में हम दिखेंगे भाई। सर आने वाले गानों के बारे में बताइए कि किस तरह के गाने हैं, कौन से गानों के गाने? देखो सारे गाने पंजाबी है ना, सारे पंजाबी गाने हैं, पंजाबी लाइक डिफरेंट डिफरेंट गाने, कुछ इसमें ड्यूट सॉन्ग्स हैं, कुछ सिंगल्स हैं और मज़ा आऊगा तानू। बाकी तुम ई पी आज रिलीज हो रही है, उस बाद दसोंगे कैसा लगा आप भाइयों को, कैसा एक्सपीरियंस था गाने? बहुत अच्छा यार, डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ किया है और सारे वीडियोस बने हैं, लाइक जैसे अपना स्टाइल है वैसे स्टाइल में बने हैं। बाकी लॉन्च होने के बाद आप लोग बताओगे। क्या कोई फिल्म करने का प्लान है? हाँ फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म है और बता दूं आपको अमेजोन पर आ रही है, फिल्म नहीं है एपिसोड्स हैं, सॉरी फिल्म नहीं है, पहले फिल्म बनी थी अब वो एपिसोड बन गए हैं, सीरीज बन गई है द ब्राउन बॉयज और उसमें हम फुल एक्शन करेंगे, फुल पीटेंगे, हाँ अपना वो खाएंगे नहीं, हिंदी कम आती है थोड़ी सी पर ट्राई कर रहे हैं बोलने की, हाँ पंजाबी बोलना ना वो तो आप कुटांगे कुट खावांगे नहीं। ब्राउन बॉयज फिल्म का नाम आ, तो सुनील बोरा जी होना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फिल्म टी सीरीज की मूवी है भाई, इसमें अराउंड 3-4 गाने होंगे अपने, नहीं अपना जो लॉन्च हो रहा है यार लॉन्च होने दें, पिंड जन्म स्थान शहर खुत्ती पाइया, सिर कुट दी जो पैरां बेच जुत्ती पाइया, तू क्यों पुछ दियां काले शीशे ला के रख दे, रीजने या डर देने वैरी लक तो, ओ शकलों ता मुंडा या शरीफ लगदा, खौफ शुरू हुंदा गबरू दे डब तो, यार जान वार दे बंदूखां वरगे गलासी जेही नार जिंद हारे जट तो। और गाना नेपाल है भाई, इसमें नेपाल गाना है, तलाशी और केड़े खालसा जी, डॉक्टरी अभी रिलीज हुआ है, खौफ जो भी मैंने सुनाया है और एक है क्या बात सोने हो जी तुहानू देख के कहिंदे सारे। सो पंजाबी जॉनर दी पंजाबी वॉल्यूम 1, इसका नाम रखा वॉल्यूम 1, अगर वॉल्यूम 1 आप सब ने पसंद की तो वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 10 तक हम ये ईपी निकालेंगे। ईपी का मतलब होता है, आपको पता है क्या होता है? एपिसोड नहीं होता, ईपी का मतलब हाफ कैसेट, ये एक फुल कैसेट होती है, ये हाफ कैसेट है, फुल कैसेट में होते हैं 10 गाने, इसमें होंगे भाई 5 गाने। सो 5 गाने रिलीज़ कर रहे हैं, आप सब भाइयों की सपोर्ट चाहिए, आपका सबका प्यार चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, क्या करेंगे फटे वेखी बनता की। यार मुंबई में अभी आए हैं, एक तो साली गर्मी बहुत है यहाँ पे पर ठीक है, आज ही है, हाँ हमारे वहाँ पे कह देते हैं चमासा पर अच्छा है जो भी है। सो मुंबई में पहले भी आता जाता रहता हूँ भाई और अब ईपी लॉन्च स्पेशल आप के माध्यम से, सब भाइयों के माध्यम से ईपी रिलीज़ कर रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम, ये मेरा वो है भी मैं ईपी या कोई गाना ऐसे रिलीज़ कर रहा हूँ। थैंक यू सर, गुड लक सारे भाइयों को, लव यू भाइयों, खुश रहा है। और जहाँ तक भी पंजाबी बसते हर जगह मुंडे का नाँ है और इनका एक सुपरहिट गाना गैंगलैंड बनया जो बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मेरा छोटा भाई है। लव यू, थैंक यू। एंड ईपी का मतलब होता है इसमें आई थिंक 7 to 10 सॉन्ग्स होंगे और इनके चाहने वाले बहुत ही हैं, जैसे ये गाना डालेगा आप देखना मिलियंस भी फॉलोअर, इनके फॉलोवर्स भी जाएंगे और व्यूज़ भी जाएंगे। सो मेरी बहुत बहुत बधाई है मेरे प्रोग्राम। थैंक यू लव यू, थैंक यू सो मच। और ये हमारा टेररिस्ट है, आपने देखा होगा। रोल की बात कर रहे हैं, सीरियसली मत समझ लेना। हाँ क्या कहना? नहीं मिक्का मिक्का भाजी साढ़े सारे दे बड़े भरा ने, सो मिक्का भाजी पहुंचे आ ते मेरे लिए तो गुड लक हो गया ते बाकी तुसी ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता, इतना ही समझिए, बाय बाय।
जल्दी मिलेगा भाई, जल्दी जल्दी। ये देखो मैं ये बिजी बड़ा रहता है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और जहाँ भी ये शोज करता है चार चांद लग जाते हैं और साढ़े पंजाबियों का माण है सामने, तो बहुत वी फील सो प्राउड अबाउट हिम एंड हिज वर्क। थैंक यू। ठीक है जी, एक सॉन्ग आपका। अरे भाई आप अपना गाओ यार। मैं सुना पिंड में एक बार मेरे वाले बदनाम का था। बदनाम का हाउ जम्मिया सी जदों मैं पंगूड़े विच पिया सी, रोंदा वेख पापा जी ने गोदी विच चक लिया सी, ओए ओ जम्मिया जी दिना तो महीने होंदे गए, यार होनी थोड़े जे कमीने होंदे गए, पहली गाल चाचा जी ने कढ़नी सिखाई, वो गाला कढ़दा सी बिल्ला फिर आम हो गया, वो गाला कढ़दा सी मिक्का फिर आम हो गया, सोलवां भी टप्पिया सतारवां भी टप्पिया, अठारवें च मुंडा बदनाम हो गया, अठारवें च मुंडा बदनाम हो गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मनकीरत वीर बहुत वड्डा स्टार है, सच्ची गल है, और जिन्ना सोहना लम्मा उच्चा गभरू जवान दिखता है इतों पंजाबी लगती है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ई पी की जो मैं भी गल की मैं लगा, मैं आई पी हूँ, ई पी नवी चीज़ आई है। सो मीका भाई ने क्लीयर कर ही दिता कि ई पी की होंगे, क्योंकि ये म्यूजिकल टर्म्स है, बट ऑल द बेस्ट भाजी, छा जाओ। थैंक यू। अक्सर बॉलीवुड में सारे पंजाबी सिंगर आजकल छा ही रहे हैं और हीरो भी बन रहे हैं। अभी आपको हमने ये रियल हीरो दे दिए, तो बॉलीवुड वाले हो वेट ना करो, मुझे लाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, आने वाली है ब्राउन बॉयज। ब्राउन बॉयज बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे अपने आप में ये रॉक स्टार है, दोबारा मिलेंगे फिर आवेंगे। I'm very excited. Mankirat is a friend. I just informed him I'm coming because it was unexpected. तो मैं खुद उनसे काफ़ी टाइम बाद मिलूंगी and I'm very excited क्योंकि इनके गाने हमेशा बहुत ही rowdy, बहुत ही heroic and you know he has this rowdy aura. So of course like I would love to see the people's reaction and audience उनको कैसे लेती है इस गाने में भी, क्योंकि कुछ 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 डिफरेंट फ्लेवर्स लाते रहते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई नो कि एक गुंडे वाली पर्सनालिटी जो है वो मनकीरत पे सूट करती है और वो हमेशा वो रोल प्ले बहुत अच्छे से करते हैं। सो या लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स ऑन दिस।